प्रॉपर्टी न्यूज तामीर से तकमील तक। पावर और एनर्जी के शोबे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने मुल्की और बैन अलाक्वामी मेगा प्रोजेक्ट्स को बखूबी अंदाज में मुकम्मल किया है। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड के उन मंसूबों के हवाले से जो उन्होंने पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में मुकम्मल किए हैं। नज़र, जैसे कि आप जानते हैं कि 2008 से लेकर 2012-13 तक के अरसे में पाकिस्तान को बिजली की किल्लत का सामना था। इससे एक तरफ नुकसान तो ये हो रहा था कि हमारी एनर्जी की ज़रूरियात में बतदरीज इजाफा हो रहा था, तो दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। इन तमाम तर ज़रूरियात को मीटअप करने के लिए हुकूमत वक्त ने यह फ़ैसला किया कि पावर प्लांट्स लगाए जाए जिससे एनर्जी को जनरेट किया जाए और जिससे बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इनमें से बेशतर पावर प्लांट्स हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ने मुकम्मल किए और बिजली की बिला तातुल फरामी को यकीनी बनाया। आइए अब जानते हैं उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो इस ग्रुप ने बखूबी अंदाज में मुकम्मल किए। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर ली जाए बलोकी पावर प्लांट के हवाले से। इस प्लांट को सूबे पंजाब के ज़िले कसूर में वाक़िया फूल नगर के करीब लगाया गया है। इस प्लांट में RLNG फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरी तरफ इस प्लांट से डीजल से भी बिजली बनाने का ऑप्शन मौजूद है। कैपेसिटी के हवाले से बात की जाए तो 1223 मेगावाट बिजली फराहम करता है ये नेशनल ग्रिड को, और नेशनल ग्रिड तक बिजली की फरहमी के लिए 40 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाई गई है। लागत के हवाले से बात की जाए तो 681.41 मिलियन डॉलर की लागत से ये मनसूबा तैयार हुआ। नाज़रीन, अब अगर बात कर ली जाए भक्की पावर प्लांट के हवाले से, तो ये प्रोजेक्ट, ये प्लांट शेखुपुरा के करीब वाक़िया है। इसकी कुल कैपेसिटी 1180 मेगावाट बिजली पैदा करना है और ये 1180 मेगावाट नेशनल ग्रिड को फराहम करता है। ये मंसूबा भी RLNG यानी गैस से बिजली बनाता है और ये नेशनल ग्रिड को फराहम करता है। इसके साथ साथ इसकी कुल लागत के हवाले से बात की जाए तो 919.8 मिलियन डॉलर की लागत से ये मंसूबा तैयार हुआ। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का काम भी मुकम्मल किया है। साहेवाल पावर प्लांट, साहेवाल पावर प्लांट के हवाले से बात की जाए तो ये मंसूबा कोयले से बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। 2014 में ये मंसूबा शुरू हुआ और जुलाई 2017 में ये नेशनल ग्रिड को 1320 मेगावाट बिजली फरहम कर रहा था। इस मंसूबे को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत मुकम्मल किया गया। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ने इसका कूलिंग सेंटर और मेन पावर हाउस बनाया, तामीर किया, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 1.8 बिलियन डॉलर की लागत आई है इस मंसूबे को मुकम्मल करने में। निशाद पावर प्लांट, इस मंसूबे के हवाले से बात की जाए तो ये मंसूबा भी कोयले से बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। ये मंसूबा 46 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को फराहम करता है और सूबे पंजाब के इलाके चूनिया में ये मंसूबा बनाया गया था। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ने इस मंसूबे का सिविल वर्क और मैकेनिकल वर्क मुकम्मल किया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड के इंटरनेशनल वेंचर्स के हवाले से भी हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते जाएंगे। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।